मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट पार्क में पीपल का पौधा लगाया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि आज भाजपा का स्थापना दिवस है और इसीलिए पीपल का पौधा लगाया है। इसके साथ ही सीएम ने सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सीएम ने अपने स्वास्थ्य आग्रह पर जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य आग्रह पर बैठूंगा, वहीं पर कैबिनेट की बैठक और कोरोना की समीक्षा बैठक करूंगा। सीएम शिवराज सिंह ने साथ में ये भी कहा कि जनता स्वयं भी मास्क लगाने के लिए जागरूक हो। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर आज पीपल का पौधा हमने लगाया है। पीपल स्नेह की छाया भी देता है और पर्यावरण को शुद्ध भी करता है, प्रगति और विकास का प्रतीक भी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाइयां देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा जी हमारे अध्यक्ष की अध्यक्षता में पार्टी दसों दिशाओं में प्रगति कर रही है और हम सब कार्यकर्ता समर्पण भाव से देश की प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता के कल्याण में लगे हैं। सबको बहुत शुभकामनाएं। आज पार्टी कार्यालय जाऊंगा, पहले बूथ अध्यक्ष यहाँ पार्टी का झंडा बांधेंगे स्थापना दिवस के अवसर पर, फिर पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहाँ जेपी नड्डा जी और आदरणीय मोदी जी का संबोधन सुनेंगे और उसके बाद मैं लगभग 12:30 बजे आज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठूंगा। कोरोना के संक्रमण को रोकने की लड़ाई जनता के सहयोग से ही लड़के हम जीतेंगे, लेकिन जनता अवेयर हो, जनता स्वयं भी जागरूक हो। कोरोना अकेला सरकार इलाज से दूर नहीं कर सकती, संक्रमण को रोकना है तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मास्क लगाना, दूरी बनाना, हाथ साफ करना, वैक्सीनेशन करवाना, जो मास्क ना लगाए उनको भी टोकना और सब कामों में जन सहयोग करना, ये आज मेरे स्वास्थ्य आग्रह का उद्देश्य है। मैं बैठूंगा तो लोग गंभीरता से सोचेंगे कि हम अपना कर्तव्य और अपनी ड्यूटी पूरी करें। अलग अलग समाज के वर्गों से भी वहीं चर्चा होगी, कैबिनेट की बैठक भी होगी, कोरोना की समीक्षा भी होगी, बाकी सब काम मैं करूंगा।